सलमान खान और एटली की जिस फिल्म के बारे में लंबे वक्त से चर्चा हो रही थी, अब वो फाइनल हो गई है। सलमान को एटली ने स्क्रिप्ट सुनाई और उन्होंने बिना वक्त गवाए फिल्म के लिए हाँ कर दी है। और एटली ने दूसरे हीरो से भी बात कर ली और उन्होंने भी हाँ कर दी है। तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो दूसरे हीरो कौन है और इस मेगा स्टार वाली फिल्म की शूटिंग अगले साल 2025 में शुरू होगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं कोमल और आप देख रहे हो स्टूडियो अड्डा। शाहरुख खान के बाद अब डायरेक्टर एटली कुमार सलमान खान के साथ काम करने जा रहे हैं। जवान में शाहरुख खान और विजय सेतुपति के धमाल मचाने के बाद अब एटली सलमान खान और कमल हसन को पर्दे पर एक साथ लाने जा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग डेट भी सामने आ गई है। हालांकि फिल्म का नाम और कहानी क्या होगी इसकी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सलमान और एटली की जोड़ी पहली बार बनने वाली है। इसको लेकर एक सोर्स के हवाले से बताया गया है कि सलमान और एटली पिछले साल से ही साथ काम करने को लेकर बातचीत कर रहे थे। हालांकि बातचीत तब बनने लगी जब एटली ने सलमान के सामने दो हीरो वाली फिल्म का आइडिया रखा। सलमान को स्टोरी पसंद आई और उन्होंने आगे की बातचीत बढ़ाने के लिए एटली से पूरी स्क्रिप्ट तैयार करने को कहा था। पिंक विला की रिपोर्ट की माने तो सलमान खान और कमल हसन स्टारर इस फिल्म की शूटिंग अगले साल 2025 में शुरू होगी। रिपोर्ट्स की माने तो डायरेक्टर कई महीनों से दोनों स्टार से फिल्म के लिए बात कर रहे थे, अब वे राजी हो गए हैं और कहा जा रहा है कि फिल्म की कहानी पूरी होने के बाद कागजी कार्रवाई पूरी की जा सकती है। ये रिसेंट टाइम का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन होने वाला है जहां एक साथ साउथ और बॉलीवुड के दो सुपरस्टार को बड़े पर्दे पर देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। एक्शन को अलग तरह से पेश करना एटली का स्टाइल है, ये हम सभी ने शाहरुख खान की जवान मूवी में देखा है, पर वो एक्शन के साथ साथ इमोशन और रोमांस के लिए भी जाने जाते हैं। ये सारी चीज़ें जवान में भी देखने को मिली थी। सलमान की इस फिल्म की कहानी क्या होगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये एटली का अब तक का सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट होने वाला है। स्टार कास्ट और निर्देशक के इतिहास से साफ है कि फिल्म रिलीज होगी तो ये 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर सकती है। बता दें कि एटली की फिल्म जवान साल 2023 में पर्दे पर आई थी। एक्शन पैक्ड इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1,160 करोड़ रुपए का दमदार कलेक्शन किया था। इसी के साथ इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान आखिरी बार 2023 की फिल्म टाइगर 3 में नजर आए थे। फिलहाल वे ए.आर. मुरुगा दोस्त के डायरेक्शन में बनी फिल्म सिकंदर की शूटिंग में बिजी हैं। ये फिल्म ईद पर 2025 में रिलीज हो सकती है। फिल्म में रश्मिका मंदाना और प्रतीक बब्बर भी हैं। वहीं कमल हसन की बात करें तो वे आखिरी बार इंडियन 2 में नजर आए थे। इससे पहले प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 एडी में उनके किरदार ने फैंस को काफी इम्प्रेस किया था। कमल हसन अब ठग लाइफ और इंडियन 3 पर काम कर रहे हैं। दोनों अपनी फिल्मों को पूरा करने के बाद एटली की फिल्म पर काम शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आप कितने एक्साइटेड हो एटली की इस मूवी के लिए वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और ऐसी और भी नई अपडेट्स के लिए स्टूडियो अड्डा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।